दोस्तों आईपीएल 2024 से ठीक पहले मुंबई की टीम को तीन तीन बड़े झटके लग चुके हैं। कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, बुमराह तीनों मुंबई की टीम को छोड़ करके जा चुके हैं और अब आरसीबी की टीम ने 10 करोड़ नहीं, 20 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, दोस्तों इतने करोड़ रुपए का ऑफर दे दिया है जिसे सुन करके आपके कान कांप जाएंगे। दोस्तों अभी देखना चाहते हो आखिरकार कितने करोड़ का ऑफर दिया है आरसीबी ने तीनों दिग्गजों को। इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आईपीएल 2024 को स्टार्ट होने में अब केवल एक महीने का समय बचा हुआ है। एक महीने बाद 23 या फिर 22 मार्च से आईपीएल 2024 का आगाज हो जाएगा। मगर दोस्तों उससे पहले मुंबई इंडियंस की टीम ने बड़ा फैसला लिया, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया और हार्दिक पांड्या को अपना नया कप्तान घोषित कर दिया और रोहित शर्मा को सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह दोनों अपना बड़ा भाई मानते हैं। और रोहित शर्मा को लेकर के जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव ने कहा, जिस फ्रेंचाइजी में हमारे कप्तान की वैल्यू नहीं है वहाँ पर हमारी कोई वैल्यू नहीं हो सकती है, इस वजह से हम इस फ्रेंचाइजी से शायद ही खेलेंगे आईपीएल 2024 में। और इस बात का फायदा उठा लिया आरसीबी की टीम ने। दोस्तों आरसीबी की टीम ने 125 करोड़ रुपए का बड़ा ऑफर दे दिया है तीनों दिग्गज खिलाड़ियों को।